हेलो एवरीवन, मैं अपम का कंप्लीट क्रैश कोर्स का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये पार्ट फोर होगा इसका, और इसमें हम मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारा इसमें है, मध्य प्रदेश में जो जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है, जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण प्रतिशत की दृष्टि से कहां पर है? झाबुआ में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल रट डालो। ठीक है, दूसरी यहां पर बात करी जा रही है सर्वाधिक संकेंद्रण प्रतिशत, यहां पर प्रतिशत की बात करी जा रही है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? धार जिला। ठीक है, धार जिला है। विश्व का पहला जो शिवलिंग संग्रहालय है वो भोजपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहां स्थापित किया जा रहा है? भोजपुर में स्थापित किया जा रहा है। किस जिले में? रायसेन जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कई पॉइंट्स इसमें रिपीटेड हुए हैं। एशिया का जो सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया जा रहा है। खजुराहो कौन से जिले में है? खजुराहो छतरपुर जिले में, छतरपुर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़ पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी है। कितनी? 1300, कई कई जगह 1350 भी लिखा होता है, कई कई 1352 भी लिखा है आपका, देख लीजिए। ठीक है, तो करीब करीब 1350 मीटर ये है। मध्य प्रदेश का सबसे जो नीचा स्थान है वो कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली, ये मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। सबसे लंबी नदी है नर्मदा, टोटल जो लंबाई है वो है 1312 और मध्य प्रदेश में करीब 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, ये टोटल लंबाई है। देखिए, नर्मदा नदी जो है वो आपकी कहां कहां से गुजरती है? यहां से मध्य प्रदेश में अमरकंटक से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र में एंट्री करती है, महाराष्ट्र से फिर गुजरात में जाती है, और गुजरात में खंबात की जो खाड़ी है वहां पे जाके नीचे अरब सागर में मिल जाती है। प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है, एक जो नदी के ऊपर बनाया गया है, वो तवा नदी पे बनाया गया पुल है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3। ठीक है, और प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH76। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से जो व्यापम का पैटर्न है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस से, जो क्रैश कोर्स वाले वीडियोस हैं, इनसे आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स भी देख सकते हैं और इन पेपर्स को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगे। देखिए, प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है वो है गंजवासौदा और सबसे ठंडा जो स्थान है वो है शिवपुरी। गर्म स्थान गंजवासौदा और ठंडा स्थान शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थल है वो है पचमढ़ी, इसको हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है भिंड। ठीक है, तो भिंड मुरैना ये जो एरियाज हैं यहां पे सबसे कम बारिश होती है मध्य प्रदेश में। जो बीहड़ वाले जो एरियाज हैं यहां पर, चंबल नदी यहां से फ्लो होती है, आपको बीहड़ में पता होगा, चंबल नदी जो है बीहड़ बनाती है आपकी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली, जो मंडला में है। ठीक है, सबसे पहला है, सबसे बड़ा है, सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था इसी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। करीब 943 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, सबसे बड़ा यही है मध्य प्रदेश का। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है आपका? डिंडोरी में। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। प्रदेश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है ताजुल मस्जिद, और ताजुल मस्जिद ये भी रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ये कहां पर है आपकी? भोपाल में है, भोपाल जिले में ये आती है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का है इटारसी। प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा जो है वो इंदौर में है, जिसको बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गणपति प्रतिमा इंदौर में है जो बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मंदिरों की बात से यहां पे आइए, मैंने कुछ मंदिर की वीडियो बनाए थे, मेरे ख्याल से 6-7 संभाग मैंने उसमें कवर करे थे पटवारी के टाइम पे, उसमें से काफी क्वेश्चन पटवारी में पूछे गए थे, आप वो जरूर देखें क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम्स होंगे उनमें वो पूछा जा सकता है आपसे। क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए, एक लॉजिक है इसमें कि अगर व्यापम 100 क्वेश्चन पूछ रहा है और 100 में से अगर 25 जीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है, बहुत बड़े लॉजिक की बात है, तो 25 में से करीब 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करी है तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन इसमें से जो 5 क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो
बहुत कम लोगों से बन पाते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत कम लोगों से बन पाते हैं यही मेरिट वाले बंदे होते हैं, और यही ज्यादातर होते हैं जिनका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर एग्जाम में हुआ है। कोई एक नंबर से रह रहा है, कोई दो नंबर से रह रहा है, कोई तीन नंबर से रह रहा है, ठीक है। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो इन चीजों के ऊपर करना है, और ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। इनके लिए आपको अलग अलग सोर्सेस से इन टॉपिक्स को तैयार करना होगा। जैसे कई चैनल्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं मध्य प्रदेश जीके के, ठीक है, आप उनको YouTube पे देख सकते हैं, ठीक है, आप Google पे सर्च करके देख सकते हैं, आप व्यापम के प्रीवियस पेपर्स लगा सकते हैं। तो ये पांच क्वेश्चन की तैयारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन की तैयारी जो है वो आप बुक्स से कर सकते हैं, ये 20 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पांच क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले। तो इनके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट है, एशिया की जो सबसे बड़ी जिला अदालत इमारत है वो कहां पर है? भोपाल में इसको जिला अदालत भी सबसे बड़ी है और उसकी इमारत भी सबसे बड़ी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहां पर है? उज्जैन में। हमें कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बुक में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम यहां पे इसको रिपीट कर रहे हैं। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है इसको, यह है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो मैंने बताया था आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए है। एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लेजर अनुसंधान केंद्र है आपका कहां पर? इंदौर में। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद है, जो भोपाल में है। रक्षा संयंत्र निर्माण निवेश नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यहां पे मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, एमपी के इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो रक्षा संयंत्र निर्माण निवेश नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है? तो उसमें चार ऑप्शन होंगे, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो इस टाइप के जो व्यापम क्वेश्चन पूछता है उनमें 95% प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आपको नहीं बन रहा है तो 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उसमें जो एमपी वाला ऑप्शन है उसको टिक कर दें, ठीक है। 95% चांसेस हैं कि वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जनरली मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर एग्जाम में सिर्फ एमपी का जीके ही पूछा जा रहा है केवल, तो डेफिनेटली आपको ये कंफर्म हो जाएगा जो जीके के क्वेश्चन हैं वो अगर एमपी से ही पूछे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% तो कम मार दें उसको, वो बिल्कुल आपका सही होगा। देश के पहले मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? ये हुई थी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से, ठीक है, दो जगह से हुई थी। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और निर्माण का केंद्र कौन बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा, देश का सबसे बड़ा होगा ये। देश का पहला एडवांस व्हीकल फिटनेस सेंटर कहां पर है? ये इंदौर में है। देश का पहला राज्य जो सबसे पहले ग्लोबल टैलेंट पूल बनाने की पहल करने वाला है, तो देश का वो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां बनेगा? ये बनेगा इंदौर में। लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये डेटा सेंटर पार्क है ये इंदौर में है, ना कि भोपाल में। गेहूं उपज खरीदने के लिए किसानों को SMS से आमंत्रण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। देखिए, किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार काफी कुछ कर रही है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आधारित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश में कौन सा है? जिला कौन सा है? नीमच जिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट आधारित खेती शुरू करने वाला देश का पहला जिला होगा। देश के पहले किन्नर अखाड़े का गठन करने वाला राज्य ये है आपका कौन सा? उज्जैन, मध्य प्रदेश में जिला उज्जैन है, ठीक है, जिला उज्जैन है और राज्य में कौन है? मध्य प्रदेश। पर देश की पहली भूमिगत बार आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, ये शौर्य स्मारक की जो बिल्डिंग बनी थी अभी 2 या 3 साल पहले बनी है, अनावरण इसका हुआ था, तो ये भोपाल में है आपका। ये पहली भूमिगत वार मतलब वार आर्ट है, वार आर्ट गैलरी। देश का पहला राज्य जिसने पाली यूथ्रेंथ टेक्नोलॉजी को 26 मई 2015 से चलाना शुरू करा, तो ये पॉली यूथ्रेंथ टेक्नोलॉजी है पीयू, इसको मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करा है और पर्यटन विकास से तैयार कैरावैन के द्वारा इसने करा है। देश का पहला डेटा सेंटर पार्क इंदौर में प्रस्तावित है, हम बात कर चुके हैं। देश का सबसे बड़ा बैम्बू सेटम सेंटर ये प्रस्तावित है और इसमें देश विदेश की करीब 200 प्रजातियों के बांस और उनके जो जीन्स हैं उनको संरक्षित किया गया है। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया हमारा भोपाल में।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और देखिए ये जो सीरीज है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। देखिए इस तरीके की जो चीजें होती हैं शेयर करने से बढ़ती हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।